नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। शहर में दुकानदारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, आधी शटर खोलकर किया जा रहा है व्यापार, सोशल डिस्टेंसिंग पर नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान। नरसुल्लागंज नगर में दुकानदारों के द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा सब्जी, फल, किराना दुकान व दूध डेयरियों एवं हाट ठेलों से विक्रय करने वाले सहित आटा चक्कियों का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, फल, किराना दुकानों एवं हाट ठेलों से विक्रय करने एवं दूध डेयरियों का समय निर्धारित किया गया है। इसी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार जो आदेश के दायरे में नहीं आते हैं, उन दुकानदारों के द्वारा दुकानें खोलकर व्यापार किया जा रहा है। जबकि एक तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है और दूसरी तरफ नगर के कुछ दुकानदार प्रशासन के आदेश का पालन नहीं करते हुए अपना व्यापार निरंतर कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। जब पुलिस प्रशासन इन दुकानों को बंद कराने आता है तो यह दुकानदार दुकानें बंद तो कर देते हैं, लेकिन पुलिस के जाते ही यह आधी शटर खोलकर व्यापार करने लगते हैं। यह सिलसिला प्रतिदिन का है। दुकानदार इस प्रकार ही प्रशासन को चकमा देकर अपना व्यापार करते हैं। यह मामला केवल नरसुल्लागंज का ही नहीं है। वहीं देखा जाए तो नरसुल्लागंज लाड़कुई मुख्य हाईवे पर फौजी के नाम से स्टील फर्नीचर की दुकान है। वहीं इनके द्वारा अंदर स्टील के फर्नीचर अलमारी बनाने का कारखाना भी संचालित किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी द्वारा कई बार अपील करने व चेतावनी देने के बाद भी दुकान संचालक द्वारा लॉकडाउन और न ही प्रशासन के आदेश का पालन किया जा रहा है। गोपालपुर में भी दुकानदारों के द्वारा इस तरह व्यापार किया जा रहा है। आज दोपहर 12:30 बजे थाना अहमदपुर परिषद में थाना अहमदपुर क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक ली गई, जिसमें थाना अहमदपुर क्षेत्र के सभी धर्मगुरु सम्मिलित हुए। थाना परिसर में बैठक के दौरान थाना अहमदपुर प्रभारी प्रभास सिंह गोड़ ने सभी धर्मगुरुओं से कहा कि आप समाज का गौरव हो, आपकी बात समाज को आसानी से समझ आ जाती है, इसलिए जो भी परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए सभी धर्मगुरुओं से मेरी अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए सभी धर्मगुरु अपने अपने समाज के लोगों को जागरूक करें। घर से नवाज ज्यादा करता है तो उसको ऊपर वाला दिखता नहीं, सब दिखता है ऊपर वाला, सब जगह नजर। हमने ट्रेनों में भी नमाज पढ़ते हुए लोग देखे, जहाँ टाइम मिल जाता है वहाँ करते, जब टाइम हो जाता तो। बस यही है कि 14 तारीख का जो सरकारी एडवाइजरी है उसका पालन करें, नहीं हनुमान जयंती पे ही नहीं करना भाई, जैसे 2-4 लोग पूजा पाठ कर ले, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई मतलब मंदिर भीड़ भाड़ नहीं, समझ रहे। सबसे पहले आप पे ही राजनीति ध्यान रखिए। जिस व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए भाई नमाज हो रही है, 50 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 15 लोग नमाज पढ़। सीहोर में लॉकडाउन में साइकिल पर निकले SP, बढ़ाया पुलिस जवानों का मनोबल। मध्य प्रदेश के नजदीक के सीहोर जिले के SP SS चौहान ने बीती रात में साइकिल से शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन का जायजा लिया और औचक निरीक्षण में चेक पॉइंट पर पुलिस जवानों से चर्चा कर उनका मनोबल बढ़ाया। कहा कि मुझे पता है कि आप लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी तनाव न लें। ये सप्लाई सही नहीं है, सप्लाई सर पहुँची है सर, अभी ये मनोबल में कमी तो नहीं है? नहीं नहीं सर, अच्छा सबका मनोबल ऊँचा है, बिल्कुल सर। तो समस्या ऐसा है कि नहीं सर, कोई दिक्कत। सभी अपने जिले के साथियों से, माताओं, बहनों और बुजुर्गों से अनुरोध है कि कृपया कोरोना वायरस से अपने बचाव के लिए घर में ही रहें और जो एक निश्चय निर्धारित दूरी है उसका पालन करें। इसका रोकने का एक ही उपाय है कि हम इसकी चेन को तोड़ें, और चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम परस्पर दूरी बनाए रखें, बाज़ार में ना निकलें।
अभी देखने में आ रहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मी या अन्य विभाग के हमारे साथी इस कार्य में दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्व ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे कि वो भयभीत होते हैं, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया ऐसे किसी भी कार्य को बढ़ावा ना दें, क्योंकि ऐसे कार्य करने वालों के विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हमारे विभिन्न विधानों में है। इसमें हम धारा 144 का उल्लंघन के 180 की कार्रवाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, और भी इसमें लॉफुल एक्ट है जिसके कारण काफ़ी कठिनाई होगी और लंबे समय के लिए वो जेल में निरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मेरी अपील है कि कृपया स्वयं भी सुरक्षित रहें, अपने परिजनों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, और जो स्वास्थ्य कर्मी और अन्य विभाग के कर्मचारी आपकी सेवा में दिन रात लगे अपने परिवार को छोड़ के, उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करें, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, अन्यथा बड़ी कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।